बॉलीवुड में पुराना दौर एक यादगार दौर रहा था, जिसमें कई खूबसूरत अभिनेत्रियां आईं और अपनी खूबसूरती के साथ अपने टैलेंट से सभी को अपना दीवाना बनाया। साथ ही कई ऐसी यादगार फिल्में भी दी जिन्हें देखकर आज लोग उस एक्ट्रेस को याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पुराने दौर के उन एक्ट्रेसेस से नहीं बल्कि उनके रियल लाइफ बच्चों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे और अगर जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उनमें कुछ बॉलीवुड में अपना कदम रख चुके हैं तो कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां और उनके बच्चे। नंबर 5, माला सिन्हा। 80 के दशक की पॉपुलर हीरोइन माला सिन्हा का नाम ऐसी एक्ट्रेस में गिना जाता है जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था, इसलिए इस जमाने में ये सभी दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो इनकी एक बेटी है जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा है, जिन्हें सभी परदेसी गर्ल के नाम से जानते हैं। इन्होंने तू चोर मैं सिपाही और एक था राजा जैसे फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम किया, पर ये जल्द ही इंडस्ट्री से गुमनाम हो गई। वहीं बात करें इनके पर्सनल लाइफ की तो अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है, पर इनका नाम संगीतकार नदीम सैफी के साथ जुड़ चुका है, पर दोनों कभी एक न हो पाए। नंबर 4, स्मिता पाटिल। 70 और 80 के दशक पर राज कर चुकी अभिनेत्री स्मिता पाटिल, जिन्होंने नमक हलाल और वारिस जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो इनका एक बेटा है जिनका नाम प्रतीक बब्बर है और वो भी एक अभिनेता हैं। इन्होंने एक दीवाना था, छछोरे और धोबी घाट जैसी फिल्मों में काम किया। वही वर्तमान में ये अपनी आने वाली फिल्म मुंबई सागा और दरबार की शूटिंग में बिजी हैं। अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो इन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर सानिया सागर से साल 2019 में शादी की है। नंबर 3, भाग्यश्री। मैंने प्यार किया में सलमान खान की हीरोइन बनी भाग्यश्री ने उस दौर में अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया था, पर जल्द ही शादी करके इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया। शादी के बाद ये दो बच्चों की मां बनी, जिनमें बेटे का नाम अभिमन्यु है जो 31 साल के हैं, और साल 2018 में फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं। वर्तमान में ये अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं और एक्ट्रेस राधिका मदान को डेट कर रहे हैं। वह इनकी बेटी का नाम अवंतिका है जो अभी 25 साल की हैं और जल्द ही बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाली हैं, और वर्तमान में ये सिंगर अरमान मलिक के साथ रिलेशन में हैं। नंबर 2, डिम्पल कपाड़िया। 80 के दशक की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हुआ करती थी डिम्पल कपाड़िया, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बॉबी, सागर, जाबाज और अंगारे जैसी कई हिट फिल्में दी थीं। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो इनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है, जो कि अभिनेत्रियां हैं। जहां ट्विंकल ने बरसात और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया, तो वही रिंकी ने जिस देश में गंगा रहता है, प्यार कभी कभी जैसी फिल्मों में काम किया। अगर बात करें इन दोनों के निजी जीवन के बारे में तो ट्विंकल ने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की थी, जिनसे इन्हें बेटे आरव और बेटी नितारा हुए। वहीं रिंकी ने बिजनेसमैन समीर सरन से शादी की, जिनसे इन्हें एक बेटी नाओमिका है। नंबर 1, हेलेन। 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही हेलेन, जिन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज वाले आइटम सॉन्ग से सभी का दिल जीता था। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो इनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं। ये अपने पति सलीम के ही बच्चों सलमान, सोहेल, अरबाज और अलवीरा, जो इनके सौतेले बच्चे हैं, उन्हीं को अपने बच्चे मानकर खूब प्यार करती हैं। जिनमें से आप तीनों खान के बारे में तो जानते हैं, पर अलवीरा के बारे में कम जानते होंगे, जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं और उन्होंने एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की है। वही इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अर्पिता को गोद लिया था। तो दोस्तों, इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।